The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone. Namaskar, adab, sat sri akal aur aap sabhi ko hamare Republic Day ki bahut bahut shubhkamnaye. एक हेल्दी नेशन, एक हेल्दी इंडिया बनाने के लिए आप, हम या किसी भी इस इंडिया के नागरिक को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कैसे स्टेप्स होने चाहिए प्रोफेशनली. आप अगर एक डॉक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या हो सकता है, व्हाट आर द प्रोफेशनल वेज इन विच यू कैन एक्चुअली मेक इंडिया बेटर, राइट. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई हैव चोजन दीज 7-8 तरीके हैं जो मैंने लाइन से लगाए हैं इम्पोर्टेंस के बेसिस पे, राइट. पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद जो बेसिकली है तो सारे इम्पोर्टेंट बट जो बहुत अर्जेंट है उसको पहले में डाला है. सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो विच यू शुड सी, यू शुड शेयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अंडरस्टैंड, राइट. सी, अगर मैं फर्स्ट पहली चीज की बात करूं कि इंडिया को, इंडिया के हेल्थ के लिए, इंडियन हेल्थ सिस्टम या हेल्थ केयर सिस्टम की बात नहीं कर रहा, हेल्दी इंडिया के लिए व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल थिंग, सो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो सबसे जरूरी है, उसको बताने से पहले सोचो अगर कोई ऐसी चीज हो, समथिंग विच इज लाइक अ ब्रेक थ्रू इनोवेशन, समथिंग लाइक दिस, जो कि एकदम इंडिया की गरीबी, उसकी अनइक्वालिटी, राइट, उसके अंदर जितने भी डेवलपमेंट नहीं हो रही जगहों पे डेवलपमेंट होने लगे, राइट, जो पूरे किसी भी तरीके से फैमिली के हेल्थ पे या उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पर्टिकुलर स्टेट के, इंडिया के हेल्थ पे बड़ा हैवी इम्पैक्ट हो, इस पे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो, अगर एक ऐसी चीज है इंडिया में इम्पोर्टेंट, तो वो है कॉन्ट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग. सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चीज है इंडिया में, सबसे नंबर वन चीज है फैमिली प्लानिंग, और उसमें सबसे जरूरी है कॉन्ट्रासेप्शन, जो कि एक्चुअली सबसे बड़ा हथियार है. अगर आप डेटाबेस निकाल के देखेंगे, रिसर्च देखेंगे, तो अभी तक इवन अच्छे से अच्छे जगहों पे भी देखोगे तो सिर्फ 48% ही फीमेल्स, 48% ही फीमेल्स जो 15 से 50 साल की उम्र में है कॉन्ट्रासेप्शन यूज करती हैं. और सोच के देखिए, अगर सारी जगह पे कॉन्ट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग होगी तो जनसंख्या कम होगी, लोगों की जनसंख्या कम होते हुए जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सही तरीके से इस्तेमाल किए जा पाएंगे. जो वुमेन हैं वो ज्यादा दिन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की जगह वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, काम पे ध्यान देंगे, उनकी एजुकेशन बेटर होगी, लाइक इकोनॉमी बेटर होगी, इकोनॉमिक पोटेंशियल्स बेटर होंगे इंडिया के फ्यूचर, फ्यूचर पर्पसेस से, राइट. सो फैमिली प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो ना सिर्फ यू नो एबॉर्शंस, अनहेल्दी यू नो चाइल्ड बर्थ्स या बहुत ज्यादा अनवांटेड प्रेगनेंसीज, उन सबको और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को अवॉइड करेगा, बल्कि इकोनॉमी बूस्ट करेगा लेटर ऑन. इट्स इम्पॉर्टेंट. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके लिए रिलीजियस, जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी रिलीजियस अपील्स होते हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ाइए, राइट, अपने अपनी अपने जनसंख्या बढ़ाइए, वो बंद होना चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड दैट एक बच्चा बहुत है, एक बच्चा बहुत है, यहाँ तक तो दो भी कर लेते हैं लोग, दो से ज्यादा 10, 12, 3, 4, 5, 6, दैट इज रॉन्ग. खैर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माई लिस्ट इज फैमिली प्लानिंग, राइट. बहुत अर्जेंट नीड है, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, इसमें कुछ ना कुछ उसने करना चाहिए, रूल रेगुलेशन वट एवर दे. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लिस्ट फॉर हेल्दी इंडिया इज हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया के अंदर गवर्नमेंट बहुत रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और एजुकेशन पे कम से कम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, हेल्थ केयर पे अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और ये बनाने में आप लगे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना. अगर आप सबको हेल्थ इंश्योरेंस दे दोगे, एवरीबडी हैज सम इवन मिनिमल अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, एटलीस्ट थिंग्स विल गेट बेटर, हेल्थ केयर विल गेट बेटर, बिकॉज आप देखोगे हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट आएगा तो अपने आप हेल्थ केयर को सही तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हर एक स्टेप पे आपको रीजन देना पड़ेगा कि कैसे, जैसे यूएस में होता है, जैसे बाहर के देश में होता है, राइट. आपको रीजन देना पड़ता है कि आपने टेस्ट किया क्यों किया, आपने इलाज किया क्यों किया, क्या आपके पास सफिशियंट रीजन था नहीं था. सो हेल्थ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, जो ऑब्वियसली इंडिविजुअल लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट ने अपने आप में सबको कुछ लेवल पे सिस्टम देना चाहिए. तो हेल्थ इंश्योरेंस इज द सेकेंड बिग थिंग विच गवर्नमेंट शुड डू इन इंडिया, राइट.
ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि जितने भी हॉस्पिटल्स है प्राइवेट से लेके इवन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पेमेंट्स जो हो रही है वो हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू हो, इंस्टेड ऑफ कि वो डायरेक्ट पेमेंट हो रही है, राइट? कुछ सिस्टम ये आगे चल के आना जरूरी है। थर्ड बिगेस्ट थिंग जो मेरी लिस्ट में है वो है अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स। उसके लिए गवर्नमेंट ने डिस इंसेंटिव बिठाना चाहिए। डिस इंसेंटिव क्या होता है? डिस इंसेंटिव एक तरीके का मान लीजिए नेगेटिव इंपैक्ट, जिससे कि अगर जितना कोई एक स्केल हो जिसमें प्रोडक्ट्स जितने भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेचे जाते हैं बिकते हैं, या जितने भी फूड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जितने भी खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक हेल्दी अनहेल्दी स्केल पे बिठाया जाए, 0 से लेके 10 तक, बहुत ज्यादा अनहेल्दी, थोड़ा सा बेटर, गुड, उस तरह से स्केल के बेसिस पे जितना ज्यादा अनहेल्दी उतना ज्यादा उनपे नेगेटिव या डिस इंसेंटिव हो, ताकि वो चीज उस बनाने वाले को बहुत महंगी पड़े और खरीदने वाले को महंगी पड़े, तो जितनी अनहेल्दी चीज होगी वो उतनी महंगी बिकेगी, सो दैट उतना लोग कम खरीदेंगे। डू यू नो इंडिया इज एक्चुअली इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है, और 80 से 90% तक सारे डेथ जो हो रहे हैं अर्बन इंडिया में वो सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से वजह से हैं, इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, शुगर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कार्डियक की प्रॉब्लम, ओबेसिटीज, इन सब की वजह से। ये सब अल्टीमेटली बॉइल डाउन होता है आपके खाने पीने की अवेलेबिलिटी। आपके बच्चे जो अच्छा हेल्दी खाने की जगह उल्टा सीधा खा रहे हैं, वो उल्टा सीधा खाना सस्ते में मिल रहा है, वो उल्टा सीधा खाना और पनपता जा रहा है, राइट? एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल बर्गर्स एंड पिज्जाज एंड एवरीथिंग। सो जितना अनहेल्दी उतना महंगा, उतना उस पे वॉट एवर द वे गवर्नमेंट फील्स वो होना चाहिए, द थर्ड चीज। और फोर्थ चीज जो हमारी मेरी लिस्ट पे है वो है सैनिटेशन, राइट? अब सैनिटेशन बोलोगे बहुत सिंपल, सबको पता है क्लीन इंडिया हेल्दी इंडिया, बट इट्स नॉट अबाउट सैनिटेशन। ये क्लीन इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हवा पानी जमीन और आपके घर की बात नहीं हो रही। आपका घर है आप खुद साफ करोगे, आपके घर के आसपास की जमीन है गवर्नमेंट ने साफ करनी है, गवर्नमेंट भी करेगी आप भी करोगे, मिलजुल के करेंगे। यहाँ बात पानी की नहीं हो रही, पानी गवर्नमेंट साफ कर रही है, ओके डन, चलो पानी साफ करके आ रहा है आपके पास। हवा 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 खराब हो रही है, लोग पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। इवन आगे चल के हो सकता है बड़े बड़ी सिटीज में एयर जो क्लीनिंग सिस्टम जो चाइना जैसी जगहों पे लगे हुए हैं, चाइना जापान, वहां से सिस्टम्स आके लग जाए, ठीक है, बट द पॉइंट इज हियर ये सब एक्चुअली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। दिस इज इंपॉर्टेंट, एयर, वाटर, सैंड, लैंड एज वेल एज होम सैनिटेशन। बट हियर द मेन थिंग इज टू सैनिटेट नॉट जस्ट दीज थिंग्स, बट ऑल्सो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और जो भी रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स, रिक्रिएशन, उनको सैनिटेट करना, उसको सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां लोग जाएंगे तो वहां से हेल्थ प्रमोट होगी। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो पोल्यूशन कम होगा, राइट? सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ आपका, गवर्नमेंट का, बल्कि हम सबका, ताकि उसको मेंटेन करें, राइट? सो दैट इज ऑन माय लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, सैनिटेशन, राइट? फिफ्थ चीज है मेरी लिस्ट में जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है, क्यों? प्रिवेंशन इज मच लेस कॉस्टलियर देन क्योर। अगर आपको कोई खतरनाक बीमारी हो जाए, वो सही टाइम पे डायग्नोस हो जाए, तो आपको बहुत कम पैसा लगेगा एज कम्पेयर टू अगर आप एक्चुअल बीमारी के एंड स्टेज या बहुत लेट स्टेज में पकड़े, उसमें आपकी पकड़ी जाती है बीमारी। सो इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत सस्ता पड़ेगा, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से ना सिर्फ आपकी अर्ली डायग्नोस होगी, बल्कि आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। अगर आप बीमारियों के साथ जी रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस, आपकी कमाई, बहुत सारा बेटर एडवांटेज मिलता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, राइट? और जहां तक बात आती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, सो ये हर एक हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, इन सब की जिम्मेदारी है, राइट? गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग कि भाई हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, फ्री उसमें इलाज है। लेकिन यहां पर बात आ रही है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को लोगों तक पहुंचाने की, कि लोग दूर दराज से, गांव से, शहरों में लोग हेल्थ चेकअप कराएं। यहाँ तो एजुकेटेड लोग नहीं कराते, अनएजुकेटेड कहां से कराएंगे, राइट? सो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे, प्रिवेंशन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा इंडिया में, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। द फिफ्थ नंबर थिंग इन इंडिया इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। द सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिया इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, जी हाँ, वैक्सीनेशन टाइम पे होनी चाहिए, बच्चों की भी, बड़ों की भी, राइट? और बूढ़ों की भी, बूढ़ों की भी वैक्सीन होती है, 60 की उम्र के आसपास भी वैक्सीन, हर साल फ्लू वैक्सीन आती है, निमोनिया की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, वैक्सीनेशन टाइम पे होनी चाहिए। वैक्सीनेशन होगा तो इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचेंगे आप।
इट्स इम्पॉर्टेंट राइट. उसको कोई दो राय नहीं है, वैक्सीन से कोई बीमारी नहीं होती है, वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. इसको हमने कई वीडियोस में समझाया है, आप जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं वैक्सीन वाले. सो ये हमारा आ गया सिक्स्थ पॉइंट. सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो जिम्मेदारी है हॉस्पिटल्स की, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस की, कि वो इलाज से ज्यादा प्रिवेंशन पे ध्यान दें, प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर दें रादर देन ट्रीटमेंट पे. राइट, क्योर करने से ज्यादा प्रिवेंट करने पे ध्यान दें. सो प्रिवेंशन इज ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग. और इन सब के लिए लिटरली फैमिली प्लानिंग हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपके अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट, सैनिटेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो, या फिर प्रिवेंशन हो, इन सब के लिए जो बेस है, जो स्तंभ है इन सब का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन ये होना चाहिए स्कूल के अंदर, ना सिर्फ एज अ स्मॉल पार्ट बट एज द मेन स्ट्रीम करिकुलम. मेन करिकुलम में बहुत इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन का, डेप्थ में, इन डेप्थ हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेज में, हर एक जगह पे डेप्थ में हेल्थ एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों को, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो बाहर जो देखते हैं, खरीदते हैं, खाते हैं, उनमें कितना क्या हेल्दी है, कितना क्यों अनहेल्दी है, और वहीं से आगे की आने वाली पीढ़ी की नींव रखी जाएगी. दैट इज वेयर वी विल चेंज द कमिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया. राइट, सो हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज टू बी डन बाय गवर्नमेंट एज वेल एज ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी हेल्थ केयर एसोसिएशन और हॉस्पिटल्स, राइट, स्कूल्स, इवन जो आपके ऑफिसेज हैं, जो जितने भी ऑक्यूपेशनल जगह पे आप काम करते हैं, वहां हेल्थ केयर इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है, वहां रेगुलर हेल्थ चेकअप होने जरूरी है. गवर्नमेंट नहीं तो, जैसे प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, आपको ऐसे नहीं कॉर्पोरेट्स बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट्स ने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया, लोगों को बेनिफिट्स दिया, ऐसे ही तो उससे ग्रोथ होती है. इफ यू गिव समथिंग यू गेट समथिंग. सो एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क ऑन दीज प्रिंसिपल्स. राइट, आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहिए, आपको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप रखवाने चाहिए, हर एक को करने चाहिए. एवरीवन एवरीवन इन इंडिया शुड गेट द अपॉर्चुनिटी, एंड फॉर दैट यू नीड to understand these basic points and you need to share this information. सबको बताओ, सबको बताना जरूरी है कि क्या करना चाहिए इंडिया में. सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, आपके हमारे गवर्नमेंट का काम है, बिल्कुल काम है, लेकिन आप हमें पता होना चाहिए किस चीज में क्या कितना इंपॉर्टेंट है. राइट, सो ये पॉइंट्स हैं जो हमने निकाले थे अकॉर्डिंग टू मी, राइट, फॉर हेल्दी इंडिया. आप मुझे बताइए आपके क्या इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स लगते हैं, क्या कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट जो हमने छोड़ दिया और यू फील दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स. आई लाइक टू लीव यू नो रीड इट, एंड विल डेफिनेटली आई माई सेल्फ पर्सनली विल ट्राई टू वर्क ऑन दीज पॉइंट्स वेन एवर आई कैन, हाउस एवर आई कैन. आप अपनी जिम्मेदारी भाई है, मैं अपनी, राइट, ये साथ ही काम होगा, अकेले अकेले नहीं बन सकता इंडिया हेल्दी. दोस्तों आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की लाइफ के लिए, हेल्दी फिटनेस के लिए. राइट, एक हेल्दी इंडिया शुरुआत ही होती है हेल्दी मी से. तो मी यानी आप हेल्दी होंगे तो इंडिया हेल्दी होगा, फैमिली हेल्दी होगी तो इंडिया हेल्दी होगा. मेक श्योर टू फॉलो दीज पॉइंट्स और शेयर दिस इंफॉर्मेशन. टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.